तो सर हमने आपको कितने टाइम की दवाइयाँ दी हैं? बस एक हफ्ता से कम ही की दवाई है। दवाइयाँ दी हैं और कितने टाइम में ठीक हो जाओगे आप? तो जो आज का वीडियो बनाया जा रहा है वो इसलिए बनाया जा रहा है कि लोग जब डिस्टेंस से होते हैं, काफ़ी दूर होते हैं आपके, और वो लोकल डॉक्टर को दिखा रहे होते हैं और उनको बताया जाता है कि आप ठीक हो और आपको कोई दिक्कत नहीं है, टांके कटवा लो और काम करो और एक्सरसाइज करो, तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं, उनकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि उनको जितना आता था वो उतने हिसाब से कर रहे हैं और देखने में जब उंगलियाँ मुड़ रही होती हैं तो जो उनको ऐसा लगता है कि सारा काम हो रहा है। तो ऐसे ही ये जब मेरे पास आए थे एक महीने बाद जब ये आए थे तो इनकी उंगलियां ऐसे हिल रही थी। तो पेशेंट को एक कन्विंस करना बहुत मुश्किल होता है एज ए डॉक्टर भी, और पेशेंट को भी समझना मुश्किल होता है कि सर इनके अंदर से नसें टूटी हुई हैं। वो ये पूछते हैं सारा तो हाथ काम कर रहा है, सर ऐसा कौन सा काम है जो नहीं कर रहा है जो नसें टूटी हुई हैं जो आप बता रहे हो, और इतना महंगा ऑपरेशन करने के लिए आप रेडी हो? तो जब मैंने इनको टच किया था तो इनको यहाँ पता नहीं चलता था, यहाँ से टच करते इनको बहुत ज़्यादा दर्द होता था, और जितनी भी उंगलियों के मूवमेंट था वो यहाँ से हो रहा था, लेकिन यहाँ पे हाथ में बहुत सारी मसल्स होती हैं, जैसे यहाँ पे चार, पीछे चार, ऐसी इतनी सारी मसल्स होती हैं वो काम नहीं कर रही हैं। जैसे आप इनका हाथ देखोगे तो उंगलियाँ यहाँ से मुड़ी हुई हैं, ये यहाँ से मुड़ी हुई, यहाँ से मुड़ी, यहाँ से मुड़ी, और अंगूठा बिल्कुल यहाँ पे पड़ा है। तो ये सारी चीज़ें साफ बताती हैं कि इनकी नसें कटी हुई हैं, और अगर इतना दर्द हो रहा है तो इसका मतलब ये चीज़ें 100% ऑपरेशन ही होना है। इसलिए हमने इनका ऑपरेशन किया, इनको समझाया कि इतना टाइम होना है। इनसे पूछते हैं कि इनको हमसे ऑपरेशन करा के किस लिए सेटिस्फेक्शन है, और ये हमसे ऑपरेशन करा के खुश हैं या किस चीज़ में इनको अभी भी हमसे परेशानी है, बता वीडियो अपनी प्रॉब्लम बता दें। इसने हमसे ऑपरेशन क्यों करवाया इतनी दूर बिहार से? सर हम इतनी दूर बिहार से आए थे कि उधर हम ऑपरेशन कराए थे, और डॉक्टर तो एक नस जोड़ दिया था और बोल रहा था जी ये अपने आप ठीक हो जाएगा, और हमको आए घर पर आए तो इसको मगर एक महीना रखे हमको ठीक नहीं लग रहा था। फिर दूसरे डॉक्टर के पास गए तो वो भी देखें तो वो भी बोल रहे थे जे ये सब ऐसे देखो को, बोले कि ये ठीक है कुछ नहीं, दवा से ठीक हो जाए, दवा लिख दिए दवा ठीक हो जाए। फिर हमको बोलो हमारा मन में था कि इसमें नस कट गया है, नस तो है ठीक है, जब नस ठीक रहता तो दर्द नहीं करता, झंझनाहट नहीं आता। वहाँ फिर मैं सोचा कि नहीं, मैं सोचने लगा कि मैं क्या करूँ। फिर मैं यूट्यूब उठाया, मोबाइल उठाया, फिर यूट्यूब में देखा सर को आया, मैं दिमाग में लगा लिया उसी टाइम कि मैं जाऊँगा तो यहीं जाऊँगा, और साथी वो था वो बोल रहा था नहीं यहाँ दिखा लो वहाँ दिखा लो। तो मैं एक दो जगह गया, एक डॉक्टर के पास गया, वो भी देखा ऐसे कैसे करके बोला कह दिया सब ठीक है कुछ नहीं है इसमें, दवा खाएगा ठीक है। मैं बोला कि इनसे भी होने वाला नहीं है, मैं फिर ठान लिया कि मैं वहीं जयपुर जाऊँगा। तो जब हमने आपको ऑपरेशन के बाद दिखाया ये नसें टूटी हुई थी तो आपको किसी भी डॉक्टर के बारे में गुस्सा आया कि ये था कि आपने सही टाइम पे सही ट्रीटमेंट ले लिया? नहीं नहीं मेरे को तो पूरा विश्वास था कि यही। तो इसमें यही है कि हमने इनको ये बताया कि किसी भी डॉक्टर की गलती नहीं है, जो भी आपके साथ हुआ है बेस्ट हुआ है, उन्होंने आपका हाथ बचाया है, नसें जोड़ी हैं और घाव में इन्फेक्शन होने के लिए रोका है। तो ये भी अपने आप में बहुत बड़ा ट्रीटमेंट होता है जो इनिशियली आपके लोकल डॉक्टर ही आपको ठीक कर सकते हैं। अगर उसी टाइम आपका हाथ नहीं होता तो आज हम आपका ट्रीटमेंट नहीं कर सकते थे। तो आपको कभी भी ये नहीं सोचना है कि लोकल डॉक्टर आपके लिए कुछ ख़राब कर रहा है, वो अपनी तरफ से बेस्ट कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसे एक्सपर्ट हर जगह नहीं हो सकते हैं। तो सर हमने आपको कितने टाइम की दवाइयाँ दी हैं? बस एक हफ्ता से कम ही की दवाई की दवाइयाँ दी हैं। और कितने टाइम में ठीक हो जाओगे आप? बस दो साल लगे। किसी भी ट्रीटमेंट के बारे में कुछ भी कन्फ्यूजन है? कुछ भी कोई कन्फ्यूजन नहीं है। आपको कोई भी काम करने के लिए रोक रहे हैं? नहीं। सर आप अपनी तरफ से बताओ आपने यहाँ पर किस टाइप के पेशेंट देखे हैं? ऐसे ऐसे तो बहुत सारे पेशेंट देखे हैं जो यहाँ ऑपरेशन कराने के बाद सब सेटिस्फाइड हैं कि हाँ मेरा। किसी को हमारे पास इतनी दूर से आने से डरना चाहिए या उनके नहीं डरना नहीं चाहिए, आना चाहिए? जो यहाँ आएगा वो ठीक होकर ही जाएगा सर, इसमें कोई कन्फ्यूजन तो नहीं? कोई कन्फ्यूजन नहीं है। इतना ना विश्वास हो गया था कि सर बोल देंगे जो ठीक हो जाएगा, मैं तो इतना भरोसा करके आया था कि सर बोल देंगे चलो ये ठीक है तो मैं अपने आप ठीक कर लूंगा इसको। जब मैं आपका ऑपरेशन कर नहीं पा रहा था क्योंकि इमरजेंसी में काफी बिजी हो रहा था, तो आपको ये नहीं लग रहा था कि यार डॉक्टर हमारा ऑपरेशन क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि हमेशा लेट हो रहा था ना आपका ऑपरेशन? हाँ, लेट हो रहा था सर। कि मैं कल कह रहा हूँ कल भी नहीं हो रहा है, परसों भी नहीं हो रहा है, इतना तो विश्वास था कि सर आकर ऑपरेशन करेंगे। ठीक है, तो ये भी अच्छी चीज़ है कि अगर आपको विश्वास है और अगर आप लेट भी हो रहे हो तो आप उनके लिए रुके हुए और आप उनसे ऑपरेशन कराने के रेडी हो। तो इसके साथ यही है कि नसों की प्रॉब्लम इमीडिएटली हो जानी चाहिए, अगर वो प्रॉब्लम में है और लाइफ टाइम लेट हो रहे हो तो उसका रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आता है। नमस्कार दोस्तों, मित्तल हैंड माइक्रोसर्जरी सेंटर में आपका स्वागत है। ये वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि अगर आप डॉक्टर अमित मित्तल को जयपुर आकर दिखाना चाहते हैं तो आप हमारे सेंटर पर कैसे आए। हमारा सेंटर जयपुर में है जिसका एड्रेस 121-122 SR कॉम्प्लेक्स, टैगोर नगर चौराह, DCM रोड, जयपुर, राजस्थान है। यदि आप किसी बस द्वारा आते हैं तो आपका डिपो सिंधी कैंप बस स्टेशन होगा, जिसकी दूरी हमारे हॉस्पिटल से 20 मिनट्स 8.4 किलोमीटर है। यदि आप किसी रेल
द्वारा आते हैं तो आपका स्टेशन जयपुर जंक्शन स्टेशन होगा, जिसकी दूरी हमारे हॉस्पिटल से 14 मिनट्स 7.4 किलोमीटर है। यदि आप प्लेन के माध्यम से आते हैं तो एयरपोर्ट से हमारे हॉस्पिटल की दूरी 9.5 km है। सभी प्लेटफॉर्म पर आपको टैक्सी, बाइक आदि की सुविधा मिल जाएगी, जैसे ओला, उबेर या लोकल टैक्सी, उसके माध्यम से आप यहां आ सकते हैं। अगर फिर भी आपको किसी प्रकार की समस्या आ रही है तो आप हमारे दिए गए हेल्पलाइन नंबर संपर्क कर सकते हैं या आप गूगल पर डॉक्टर अमित मित्तल दाल के लोकेशन प्राप्त कर सकते हैं।